दतिया कलेक्टर संदीप कुमार माकिन को सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तिलेता में लगातार रेत के अवैध खनन का भारी मात्रा में भंडारण की सूचना मिल रही थी। जिला खनिज अधिकारी और एसडीएम सेवड़ा भांडेर के साथ इंदरगढ़ तहसील और नायब तहसीलदार के साथ घोराघाट पुलिस ने अवैध रेत का भंडारण जब्त किया है। रेत माफियाओं के खिलाफ ये कार्यवाही कलेक्टर संदीप कुमार माकिन के आदेश के बाद जिले में पहली बार हुई है। जिला प्रशासन ने रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए घोराघाट थाना क्षेत्र के ग्राम तिलेता में सिंध नदी घाट से अवैध रूप से करीब 150 डंपर रेत का भंडारण किया था, उसे जब्त कर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर संदीप माकिन के निर्देश पर जिला खनिज अधिकारी रमेश पटेल एवं एसडीएम सेवड़ा अशोक अवस्थी के नेतृत्व में करीब 52 लाख रुपए कीमत की रेत के भंडारण को खनिज विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस संयुक्त अभियान से जब्त की गई। प्रशासन ने 150 डंपर रेत के साथ साथ 5 डंपर भी जब्त किए हैं। मालूम हो कि बरसात शुरू होने से पहले रेत माफिया अवैध तरीके से सिंध नदी किनारे अवैध रेत का भंडारण कर लेते हैं, फिर उस रेत को ऊंचे दाम पर बेच का काम करते हैं। जिला प्रशासन की इस कार्यवाही से रेत माफिया के मंसूबों पर पानी फिर गया है। जिला प्रशासन द्वारा की गई अचानक इस कार्यवाही से रेत माफिया के हौसले पस्त हुए। इंदरगढ़ नगर में चारों तरफ रेत के अवैध भंडारण है, क्या जिला प्रशासन इन अवैध रेत के भंडारण के खिलाफ भी कार्यवाही करेगी? शिवरमन सिंह राठौर की रिपोर्ट।